नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की जो खबर है वो खबर है जगह जगह पर लगने वाले मेले में चल रहे झमेले को लेकर। हम हमारे आसपास देखते हैं, कई बार मेले लगते हैं, उसमें फन फेयर होता है, हम घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, लेकिन उसके मेले को लेकर, मेले लगाने के लेकर कुछ कायदे कानून है, लेकिन यहां कायदों कानून को ताक पर रखा जाता है और इसी पर यह खबर आधारित है। दरअसल अभी एक मेला लगा हुआ है नालासोपारा के टाकी रोड पर। उस मेले को लेकर मुझे कुछ ऐसी शिकायत मिली थी, मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी, तब मैंने मेले का स्ट्रिंग किया और कुछ जानकारियां निकाली, तो कई चीजें चौंकाने वाली सामने आई। दरअसल सबसे पहला मेले को लेकर जो शिकायत है वो ये है कि मेला जिस जगह पे लगाया गया है वहां जगह पर 3 बिल्डिंग थी पहले, जो अति धोखादायक होने के हिसाब से महानगर पालिका द्वारा 2020 में तोड़ी गई थी, और अभी वहां प्लॉट है, यानी 3 सोसाइटी की मालिकाना हक की वो जमीन है जिस पर मेला लगाया है। उस मेले के लिए मालिक की एनओसी चाहिए, मालिक की परमिशन चाहिए, तो जो मेला लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, जो कंपनी है, जो कोई, उन्होंने सिर्फ एक बिल्डिंग के पदाधिकारी सोसाइटी से परमिशन ली, ऐसा मुझे बताया गया। खैर, ये विषय है इनका आंतरिक, ये विषय है आंतरिक। अब मैं बात करूं तांत्रिक विषय की, टेक्निकल, तो किसी भी मेले के लिए सरकारी परमिशन चाहिए, महानगर पालिका की परमिशन, पुलिस डिपार्टमेंट की परमिशन, फायर एनओसी, एमएससीबी की एनओसी, बिजली विभाग की, तो इन तरह के दस्तावेज चाहिए। तो जब मुझे इस जगह को लेकर शिकायत आई और मैंने उस पर एक रिपोर्ट अपनी तैयार की, ये वीडियो जरा लंबा है, आप एंड तक जरूर देखेगा पूरी रिपोर्ट को, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो मैंने उस पर जो रिपोर्ट बनाई उसमें मैंने खुद मेले का विजिट किया, वहां पर मैंने स्टिंग किया, तो वहां कुछ अलग चौंकाने वाली बात सामने आई, वो आप वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन जो मैं बात टेक्निकल बात पे आता हूं, ऑब्वियसली टेक्निकल जो बातें हैं परमिशन की, तो उसकी बात करूं तो मैंने पता लगाया महानगर पालिका की परमिशन के लिए उसने अप्लाई किया था और महानगर पालिका ने परमिशन दी है, जिसका पेपर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ महानगर पालिका ने जो परमिशन दी है उसमें कुछ नियमावली उन्होंने अटी और शर्ती डाली हुई है, और जाहिर सी बात है महानगर पालिका की परवानगी में महानगर पालिका को अटी और शर्ती तो डालना है, लेकिन खुद जो भी मेला लगाने वाला कंपनी है उसको अपनी तरफ से वो प्रोसीजर करना है, ये बात जाहिर है। महानगर पालिका अपनी अटी या शर्ती में वो चीजें, उन चीजों का उल्लेख करे या ना करे, इनको करना है। उसमें फायर एनओसी हुई, पुलिस की एनओसी हुई, पुलिस परमिशन, और बिजली विभाग की परमिशन। तो सिर्फ महानगर पालिका परमिशन के अलावा हमें और कुछ मिला नहीं। मैंने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से इस बारे में अप्रोच करके उनसे जानकारी मांगी, तो उन्होंने बकायदा कैमरे के सामने बयान दिया कि एप्लीकेशन आई लेकिन आधी अधूरी एप्लीकेशन थी और उसमें अनियमितता थी, तो अब तक उनको फायर एनओसी जारी नहीं की गई है। और एक बड़ी बात जो फायर ऑफिसर ने बताई वो ये थी कि उनसे वहां लगने वाले झूले की फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया, तो वो भी उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। यह बात यहां क्यों उठ रही है? यह बात इसलिए उठ रही है कि अक्सर जहां भीड़ होती है, जहां मेले होते हैं, वहां पर हादसे होने का डर रहता है, एक आग लगने का डर होता है जिसके लिए फायर सेफ्टी चाहिए, और दूसरा होता है अचानक से झूलों का टूटना या ऐसा कुछ, जिसके लिए भी फायर एनओसी चाहिए, उनको वो जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो चाहिए, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट उन्होंने पेश नहीं किया मेला लगाने वाले ने, ये बात फायर ऑफिसर ने कही। साथ ही साथ जो आग पर काबू पाने के लिए यंत्र लगते हैं, वो यंत्र भी उन्होंने वहां ऐसा दर्शाया कि हमने 6 यंत्र रखे हैं, लेकिन खुद फायर ऑफिसर का कहना है कि वो बात उन्होंने बोला है
लेकिन वैसे सच्चाई नहीं है। उन्होंने वहां पर जब विजिट किया तो उनको 6 की बजाय 3 फायर यंत्र मिले और वो भी एक्सपायर डेट के मिले। तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा विषय है, इस पर गौर करना चाहिए कि क्यों इस तरह से लोगों की जान हाथ से कभी कह कर नहीं होते हैं, लेकिन हाथ से होने के बाद हम दोषारोपण में लगते हैं। हादसों को पहले रोकने की हम कोशिश क्यों नहीं करते हैं, हमारा प्रशासन यह कोशिश क्यों नहीं करता, यह सवाल बड़ा है। अब इसमें सभी विभाग, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे अग्निशमन हो और चाहे बिजली विभाग हो, इन चारों ही विभाग की जिम्मेदारी है कि कार्यवाही करें। रही बात वीडियो में आप आगे सुनेंगे, इसी बिल्डिंग के एक जो 3 बिल्डिंग थी मैंने अभी बताया, उसमें से एक बिल्डिंग के रहवासी जिन्होंने मुझे शिकायत की थी, उनका बयान भी है। उनका यह साफ तौर पे कहना है कि यहां वसूली एक तरह से की जा रही है। उनका यह आरोप इसलिए है कि 3 बिल्डिंग थी, 3 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग के नाम पर चेक से पेमेंट हुआ 1,40,000 रुपया, और इस तरह से मेले लगने शुरू हुए। अगर भविष्य में इसी तरह से मेले लगते रहे तो जो वहां पुरानी बिल्डिंग थी उसके जो टेनेंट थे उनके अपने हक का क्या, उनको अपने घर कब मिलेंगे? वो कोई खाली जगह नहीं थी, एक सोसाइटी की बिल्डिंग धराशायी की गई थी, उसकी जगह पड़ी है, तो वहां रीडेवलपमेंट कब होगा, उनको अपने हक का अपना घर कब मिलेगा? तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में काफी सवाल है। प्रशासन को चाहिए कि इन सवालों के जवाब दे, और प्रशासन को चाहिए कि संबंधित पक्षों के खिलाफ जो कुछ कानूनी कार्यवाही वो करे। देखिए पूरी रिपोर्ट, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आपके जुरिडिक्शन में तुलिंज टाकी रोड पर एक मेला लगा हुआ है, उन्होंने क्या फायर का जो भी प्रोसीजर है वो किया है और फायर अनुसी लिया है, आपने उनको क्या फायर अनुसी दिया है, इसकी जानकारी क्या है? नाला सुपारा पूर्व तुलिंज रोड रघुकुल सोसाइटी मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम और जत्रा का परवानगी के लिए उसने एप्लीकेशन 16 तारीख को दिया था। 16 तारीख का अनुसर देने के बाद हम लोग 17 तारीख वहाँ पे विजिट के लिए गए। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे कोई वहाँ का मालिक नहीं था, वहाँ पे उनके कर्मचारी थे, और कर्मचारी को पूछा गया कि फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लगाया है क्या, उसमें प्रमाण पत्र दिया है फायर एक्सटिंग्विशर 4 KG के 6 न गए उधर वहाँ पे, ऐसा प्रमाण पत्र में दिया, लेकिन वहाँ पे जाके देखा तो 2 किलो का खाली 3 फायर एक्सटिंग्विशर है या 4 फायर एक्सटिंग्विशर है, उसकी भी डेट गई हुई है। और वहाँ पे उनको मैसेज दिया उनको कर्मचारी को कि हम फायर ब्रिगेड में आके जो ही पेपर है वो पेपर की पूर्तता करने के लिए बोल दी। तो मतलब कहने का मतलब सर, उन्होंने जाहिर तौर पर जो शासन नियम है वो भंग किया है, पर आपको गुमराह किया है, तो इसके ऊपर आपके आगे की क्या कार्यवाही रहेगी? हमारे इसमें सर ज़्यादा करके MSEB का लाइन होगा, तो MSEB का लाइन हम लोग कट कर सकते हैं और म्यूनसिपालिटी का पानी पर, लेकिन वहाँ पे MSEB का लाइन उसने दिया नहीं है, उसका खुद का जनरेटर लगा हुआ है। सर अगर नौबत आए तो आप उसके खिलाफ FIR वगैरह का प्रोसीजर करेंगे? उसमें आप जरूर गिरी और जो पेपर की पूर्तता नहीं की, आग लगने के बाद हम लोग उसके ऊपर FIR दर्ज कर सकते हैं। सर आग लगना अपनी जगह है, लेकिन समझो कोई हादसा भी होता है, क्योंकि बड़े बड़े झूले हैं, कोई हादसा हुआ, कोई और दुखापत हुआ तो और सर दूसरी बात, वहाँ के कर्मचारी को मैंने बताया कि जो झूला है झूला का फिटनेस सर्टिफिकेट हमेशा ही है, ऐसा उनको मैसेज दे दिया है, मैसेज दे दी 17 तारीख को। मैसेज देने के बाद अभी तक कोई भी आदमी उनका आया नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर पोपट है। कहाँ रहते हैं आप? मैं रघुकुल नगर में रहता हूँ। क्या दिक्कत हुआ, क्या कहना चाहिए? सर यहाँ मेला लगाया है, मेला किस वजह से लगाया है मेरे को मालूम नहीं है, और ये मेला लगाने का कारण क्या है मालूम नहीं। 2 साल से हमारा ये रघुकुल नगर टूट गया है, खंडित हो गया है, नगर पालिका ने खंडित कर दिया है, और हम लोग इधर इधर भटक रहे हैं, और ये परमिशन किसने दिया ये मालूम नहीं हम लोगों को, और क्या दिया है ये मालूम नहीं। अच्छा मेला लगा, उससे आपको क्या दिक्कत है? सर ये मेला लगाने का अभी परमिशन किसने दिया ये मालूम नहीं है मेरे को, और ये सोसाइटी रजिस्टर में 3 सोसाइटी नहीं है ऐसा बोल रहा है।
वो बात ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मेला लगाने से आपको क्या दिक्कत है? सर मेला लगा के इन लोग का अपना वसूली कर रहा है, और हमारा घर कब मिलेगा यार हमारे को मालूम नहीं है। आप कौन सी बिल्डिंग में रहते थे? क्या हम लोग, मैं पी तेर में रहता था, पीछे का जय रहा कुकर में। अच्छा, कुल कितनी बिल्डिंग थी वहाँ पर? वहाँ तीन बिल्डिंग थी और 203 लोग रहते थे, 17 दुकान थी। अभी आपकी मांग क्या है? सर ये हमारे मांग है कि भाई मेला लगा के इन लोग वसूली क्यों करे? नगर पालिका का पैसा बाकी है तो वसूली पूरा कर दो ना उनका पैसा। और आप यहाँ अग्निशमन दल में क्यों आए? सर अग्निशमन दल का परमिशन मिला कि नहीं मिला वो तपास करने को आया मैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारे का पास कोई परमिशन लेने को आया नहीं है और परमिशन हमने दिया नहीं है। संतला बोला जरा तला घेऊन ये। लेने वाला ना अभी तो? अभी लेने वाला ना? कितना दिन और? कितने दिन और? 29 जनवरी तक ये? कोई बोल रहा था 5 फरवरी तक? नहीं टोटल इंग्लिश बुक है, इंग्लिश बुक ही है, मराठी हिंदी नहीं है। क्या है, नॉवेल है कि नॉवेल और कॉमिक्स? बस ये ऐसा माइती अधिकार वगैरह सब कुछ नहीं, ऐसा का लीगल बुक वगैरह कुछ नहीं है। और कोई भी 150 का फिक्स कितने तारीख तक रहने वाला मिला? हाँ कितने तारीख तक रहने वाला मिला? बराबर कितना भाड़ा कितना लगा रोज का? कितना दिन हो गया आज? आ सकता जा सकता है? वैसा कॉन्ट्रैक्ट का वो नहीं आज लेंगे। तो कुछ प्रॉफिट हुआ कि नुकसान में गए? लॉस में गए, पहली बार ऐसा हुआ लॉस में। नहीं एरिया के हिसाब से बुक इंग्लिश बुक है ना, इंग्लिश बुक अगर नहीं चलता प्रॉफिट होगा, महेंद्र में भी प्रॉफिट हुआ दो जगह। उधर अर्बन एरिया है ना, आपने इधर रूरल एरिया है, रूरल एरिया में तो ये लगवाने वाले क्या वही लोग हैं क्या? आपको मालूम पड़ता है? कैसे मालूम पड़ता है? बस ये मतलब एक ही कोई कॉन्ट्रैक्टर बड़ा रहेगा उसका? कौन ऐसे दो तीन जाने बड़े बड़े लाइट वाइट साथ में कोई देते? सब लाइट अपना कनेक्शन देते हैं। हाँ लाइट अपना कनेक्शन ही बात हो रही है, लाइट तो अभी अपना ही रहेगा। पब्लिक तो कुछ दिख नहीं रही, मैं वही सोच रहा हूँ इतना पैसा निकलता है बाकी लोगों का क्या लग रहा है? अच्छा सोचा अमेरिका में बैठने से अच्छा है, टाइम पास होगा बराबर है, खाली बैठने से अच्छा ये होगा, लेकिन नुकसान जब से भरना पड़ता है। हाँ लाना लेना भाड़ा ये वो थोड़ा बहुत खर्चा निकल गया, भाड़ा भी निकला ना तो बहुत हो गया, इसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। बाकी ऐसा दुकान लेगा ना परमानेंट? हाँ उधर है ना सीएसटी में, सीएसटी में क्या प्रोडक्ट है जी? क्या प्रोडक्ट है सर आपके सामने लिखा है ना, हेल्थ केयर प्रोडक्ट?
कितना क्या? 30 का 6 50 का 12। 30 का 6 क्या मिलेगा? मिलता कुछ? अच्छा ऐसा ही बस ये भी आपका ही? हाँ पूरा 3-4। हाँ बहुत पैसा दे रहेगा तो? हाँ बहुत पैसा भरा देगा। हाँ कितना दिन का? 3-4 हज़ार रुपये है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।